ना भाई, कितना सुंदर इनापुर रीति रिवाज हो, बहुत अच्छा बहुत अच्छा।
अपने कहा अच्छी लगती है। अरे वहाँ से बात कर दीजिए, हमको भी मुलाकात है। कलश यहाँ पर रख दिए गए हैं, आप देख लीजिएगा कल से भागवत शुरू हो जाएगा। ये हमारी भाभी जी ने भी आज पूरा अपना बहुत अच्छा लगा। आप देख सकते हैं सभी माताएं कलश पहुंचाने के बाद, कलश यात्रा के बाद सब डांस से चल रहे हैं, आप देखिए बहुत अच्छा। 4 किलोमीटर की दूरी चलने के बाद भी कोई थकान नहीं है, भक्ति में शक्ति। Thank you.
चुके हैं कलश यात्रा से भाभी और मैं, और ये हमें हमने अब पिछोड़े उतार दिए। मैंने वीडियो बनाते हुए ये आ गई हैं। क्या दीदी बोला था उस दिन? हम लोग आ गए हैं अब कलश यात्रा से, अब जा रहे हैं घर। अब हम अपने घर को प्रस्थान कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो बीच बीच में ये हमारे जो उत्तराखंड की एक रीति रिवाज है, रीति रिवाज क्या मतलब, हाँ, बहुत अच्छा है अपना देश को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नए जनरेशन के बच्चों को भी इससे बहुत ज्ञान मिलेगा, छोटे छोटे बच्चे भी भागवत सुने। बिल्कुल छोटी बच्ची आई है देखो, ये कितना उसको, पिछली बार भी आई थी। यही और है जिससे लोग हाँ, अपने परंपरा से जुड़े रहते हैं, जुड़े रहते हैं बिल्कुल, जुड़े भी रहना चाहिए, जुड़े रहना चाहिए। और हम लोग एक नहीं, अगर हम लोग नहीं जाए तो फिर ये लगता है कि एक नहीं गया दूसरा नहीं गया तो सभी नहीं जाते। सबको जाना चाहिए ये कलश यात्रा में। देखो बहुत अच्छा, इतना दिव्य जागृति मिशन आपके आशुतोष महाराज जी का यहाँ भागवत होने वाला है। भागवत भी सुनना चाहिए, टाइम है तो सुनना चाहिए, लेकिन कलश यात्रा में और आपको पैदल चलने को मिलता है, सिर में कलश रख के, ये बहुत ही शुभ संकेत होता है, बहुत अच्छा। तो मित्रों सभी को जाना चाहिए, भागवत सुनना चाहिए। हम लोग आ चुके हैं कलश यात्रा से, दादी हमको कलश यात्रा में फिर मिल गई हैं ये, और अभी भी भागवत में भी जाऊंगी बोलने। भागवत में जो जा सकता है तो रोज़ जाना चाहिए, रोज़ जाएंगे, नजदीक है तो रोज़ सुनेंगे भागवत, बहुत अच्छा है। अरे इनसे दीक्षा ले रखी है फिर, बहुत अच्छा है। आशुतोष महाराज जी की शिष्या हैं ये, अच्छी बात है। तो रोज़ भागवत में जाएंगे, बहुत अच्छा लग रहा है सभी लोग। अच्छा बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया, फिर अच्छा है, अच्छा करके अच्छा ही होता है, बढ़िया है, बहुत अच्छा। हम लोगों को भी मौका मिल रहा है कलश यात्रा में जाने का और प्रवचन सुनने का। अब बच्चे बड़े हो गए तो हमें भी भक्ति भाव में ज़्यादा मन लगाना चाहिए,